आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, जाम घाट पर पेट्रोल पंप व्यापारी की कार एवं एक अन्य टेम्पो चालक को लूटने का किया प्रयास। मध्य प्रदेश शासन लिखी गाड़ी में बैठकर आए थे चार लुटेरे बदमाश। करहई के पाडलिया निवासी पेट्रोल पंप के मालिक सौरभ जैन को परिवार सहित इंदौर से आते वक्त पथराव कर की लूटने की कोशिश। बागदरा निवासी टेम्पो चालक को भी लूटने का प्रयास। मंडलेश्वर थाना प्रभारी श्री जगदीश गोयल के त्वरित प्रयासों से खरगोन निवासी चार लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों के नाम कृष्णा सावले, संदीप मंडलोई, कुलदीप सावले और अखिलेश पाल। बदमाशों ने कल रात को 11 बजे शराब के नशे में धुत होकर की लूटने की कोशिश। चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ मंडलेश्वर से रुपेश डाकोलिया की रिपोर्ट। कल रात को क्या घटना घटित हुई, क्या मामला पूरा क्या था? हम इंदौर से आ रहे थे जामघाट होते हुए, तो जामघाट के 2 किलोमीटर नीचे, 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे टर्न पे उन पत्थर जमा रखे थे पूरे, और चार लोगों ने गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके, गाड़ी रोकने की कोशिश की और लूटपाट करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? इस दौरान गाड़ी पे पत्थर फेंके, कांच वांच सब फूट गए, गाड़ी पत्थरों के ऊपर से कुदा के नीचे तक आए हम, बागदरा तक, पलाट ढाबे तक। गाड़ी का टायर भी फूट गया था और बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से नीचे आए हम लोग। उसके बाद आपने क्या किया फिर? 100 डायल पे फ़ोन किया और घर पे फ़ोन करा। पुलिस कितने बजे तक आ गई थी? पुलिस आ गई थी 20 मिनट में, 20 मिनट में आ गई थी। हाँ। उसके बाद चोरों को क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्या हमारे पीछे वाली गाड़ी वालों ने उनको देख लिया था, उनका गाड़ी नंबर। अच्छा। तो वो जब गाड़ी हमारे सामने से निकली, वो खरगोन जा रही थी, हमारे सामने से निकली, तो हमने 100 डायल वालों को बोल के मंडलेश्वर में वो गाड़ी पकड़ डाली। इस संबंध में आपके द्वारा रिपोर्ट की गई मंडलेश्वर थाने पर? बिल्कुल की गई।